नमस्कार दोस्तों, लर्न सैक्सोफोन बाय डॉक्टर सीबी सविता। आप लोग देख रहे होंगे और कई लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें। और ये बहुत जरूरी है, जब तक अपन बेसिक नहीं सीखेंगे अपन सैक्सोफोन नहीं बजा पाएंगे। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने किस तरह से सैक्सोफोन सीखा था, मैं वो ही तरीका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको तीन कीज बताई थी और वो कीज थी, सबसे ऊपर वाली की थी वो बी, उसके बीच नीचे जो थी वो ए और नीचे थी जी। तो ये लेफ्ट हैंड की मैंने तीन बताई थी, इसी तरह राइट हैंड की भी मैं तीन बता रहा हूँ। कौन कौन सी? इंडेक्स फिंगर से आप बजाएंगे एफ, उसके नीचे ई और उसके नीचे आप जो बजाएंगे उसे बोलेंगे डी। तो दोस्तों, तीन की इधर और तीन की इधर। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये अभी काम नहीं लेनी, ठीक है ना। क्या होता है कि दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सैक्सोफोन के अंदर अपन जब लो करते हैं तो इजीली जो नोट्स बच जाते हैं अपन से, मैं वही तरीका बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैंने आपको बताया था कि अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने बजाई थी बी, फिर बजाई थी हमने ए और फिर बजाई थी जी, तो बी ए जी। तो इसी तरह से ये जो राइट हैंड है उससे आज हम बजाएंगे एफ ई और डी। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। तो देखो, पहले आपने जो बजाई थी वो ये थी, दैट इज बी ए और ये जी। और अब ये जो बजेगी आपकी, कि इसको बोलते हैं एफ, ये सेकेंड आपकी हो जाएगी ई और ये हो जाएगा डी। तो एफ ई डी, कैसे शुरुआत करते हैं। पहले अपन ने बजाई थी ठीक है, थंब आपका फ्री है, अब देखो दोस्तों, मैंने बजाई ये कुछ गड़बड़ बज रहा है, तो आप डरे नहीं, ये चीज होगी आपके साथ ही। कैसे? तो मुंह को सही रखें, आपके बजाने का जो मैंने तरीका बताया था, फूंक मारने का तरीका बताया था, वो सारी चीज आपको देखनी होगी। अब अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप इधर आ जाइए नीचे, कान को भी ध्यान से फोकस करें। कैसे? ये तीन चीज आ गई, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करनी कैसे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। कैसे? ये ऊपर से नीचे ही जाना है, अभी आपको ऊपर मत जाना, नीचे की प्रैक्टिस करो केवल। ये जो है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी आप ना, अब जो ब्लो अपन कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाएं, तो दोस्तों ये जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो और भी डिफिकल्ट होता जाएगा, तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस चालू कर दें। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि आपको जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, कि जो फर्स्ट स्केल, दैट इज सी, सी का मैं स्केल आपको बताऊंगा। अभी आपको जो चिटली उंगली जिसे बोलते हैं अपन, उसको यूज़ नहीं करना है, केवल आप इसको दोनों को अलग फ्री रखें और केवल इस तरह से ब्लो करते रहें। और दोस्तों, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और यदि आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और दोस्तों बहुत सारे वीडियो जिनके अंदर आप ट्यूटोरियल सीखते होंगे, लेकिन और दोस्तों जो सबसे सिंपल तरीका है, इजी तरीका है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये तो आप जानते ही हैं, जब आप सीख जाएंगे तो एक दिन आप भी बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। और दोस्तों ये तो सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार अगेन, कैसे? ये प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब मैं हो सकता है जल्दी जल्दी वीडियो डालूं तो कोई वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।